हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज चलिए हम लोग आसाम स्टेट जू चलते हैं और वहाँ पे बाघ भालू और स्पेशली वन हॉर्न राइनो देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ और जू की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। चले वहाँ पे वन हॉर्न राइनो देखेंगे और जिराफ, हाथी वगैरह सब देखेंगे। मुझे भी देखने का बहुत दिल है और आप लोग को भी दिखा दूँगा। ज़्यादा टाइम स्पेंड करने नहीं मिलेगा मुझे जू में, क्योंकि अभी देर बज गया, 4:30 को बंद ही होगा, 2:30, 3:30, 4:30, 3 आवर्स मिलेगा। तो अभी मैं गणेश मंदिर पहुंच गया। आज थोड़ा जाम कम है, संडे है ना, नहीं तो आप मैं तो पागल हो जाता हूँ इस रास्ते में जब जाता हूँ। इतना जाम लगता है यहाँ पे। गणेशगुरी पहुंच गया। अभी यहाँ से गणेशगुरी से लगभग 2-3 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे। टाइम कितना हुआ रुक के देखते हैं, 1:30 हुआ है। ये फ्लाईओवर नया बना है, 1 महीना नहीं हुआ शायद इसका ओपनिंग होने में। एक महीना नहीं हुआ शायद इसका ओपनिंग। हवा बहुत तेज चल रहा है। सुंदरपुर पहुंच गया, अभी 1 किलोमीटर और है, पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं पहुंचने वाला हूं। दोस्तों फाइनली पहुंच गया। गया फाइनली दोस्तों जू। तो बढ़िया लग रहा है, बहुत दिन से बंद था, आज खुला है। दोस्तों जू बंद है और मैं रूम पहुंच गया। मैंने सोचा इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि जू तो बंद ही है। फिर भी मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कोई आ रहे हो जू पे और जू बंद दिखा देता है ऐसे, तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे गूगल मैप पे जू ओपन दिखा रहा था। और फिर मैं जब वहाँ पहुँचा, मैंने सिक्योरिटी से पूछा जू क्यों बंद है, गूगल मैप में तो ओपन दिखा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जानवरों का बात है, अगर एक को बीमारी हुआ तो सभी को हो सकता है और पूरा जू तबाह हो सकता है, तो इसी वजह से जू बंद है। तो मैंने उनको पूछा फिर से जू कब खुलेगा और फिर से रीओपन कब होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि दिसंबर के बाद जू खुल सकता है। तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं जू जाने का, तो आप लोग
हो सके तो दिसंबर के बाद जाइए, और गूगल मैप पे भरोसा मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे ओपन दिखा रहा है और वहाँ में जाके पहुँचा फिर वहाँ पे क्लोज है जो, तो इसी वजह से गूगल मैप पे तो भरोसा नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल कोरोना के टाइम पे। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं जू तो दिसंबर के बाद ही जाइए, तो जू ओपन मिलेगा तब शायद। तो ठीक है दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, और ये आप लोग को जानकारी पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़। तो फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं हमें, तो तब तक थैंक यू, टेक केयर।